Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are doing well. So this is me, Mohammed Ibrahim, your tutor for CC 3.1. Students, आज हमारा टॉपिक होगा वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील्स. सो व्हाट डू वी मीन बाय टर्म वेल्डेबिलिटी? व्हाट डज दैट मीन? Weldability is defined where the ability of weld ability of a metal to be welded. Okay, how you are going to weld anything? Let's break it into two words. दो हिस्सों में इसको तकसीम कर लेना. तो weldability of a thing, कि उसको आप किस तरह वेल्ड कर सकते हो. दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उसकी वेल्डेबिलिटी गुड हो सकती है या पुअर हो सकती है. ओके, समटाइम्स वेल्डेबिलिटी विल रिलेट टू हार्डनेबिलिटी. व्हाट इज हार्डनेबिलिटी? No, material could be hardened, right? It has जिसमें आप के स्ट्रक्चर जो है हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सके. हार्डनेबिलिटी, मुझे ये बताएं कि अगर किसी मटेरियल की हार्डनेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी वेल्डेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा? पुअर वेल्डेबिलिटी. और अगर लो हार्डनेबिलिटी है तो वेल्डेबिलिटी विल बी गुड. हार्डनेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? कार्बन, राइट? कार्बन, बिकॉज कार्बन इज फर्स्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस. सो हर मटेरियल के लिए उसके केमिकल कंपोजिशन में हमारे पास कार्बन की कुछ परसेंटेज होती है, राइट? जब वो परसेंटेज एक एक्सटेंट से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है तो मटेरियल में हार्डनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी. जब वो हार्डनेस बढ़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से बचा जा सके. क्लियर? सो वो डिपेंड करती है मटेरियल की कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू पे, राइट? कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी मटेरियल की हार्डनेबिलिटी बढ़ेगी. कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू जितनी कम होगी मटेरियल की हार्डनेबिलिटी कम होगी. जब हार्डनेबिलिटी कम है तो वेल्डेबिलिटी गुड होगी. अगर हार्डनेबिलिटी हाई है तो वेल्डेबिलिटी विल बी पुअर. ओके, सो डेफिनेशन इज इट रिलेट्स टू एबिलिटी ऑफ मेटल अलॉय टू बी वेल्डेड विद मैकेनिकल साउंडनेस बाय मोस्ट ऑफ कॉमन वेल्डिंग प्रोसेसेस. अब इसमें जो चीजें अफेक्ट करती हैं उसमें फर्स्ट आ रही है कंपोजिशन ऑफ पेरेंट मटीरियल, देन ज्वाइंट डिजाइन एंड साइज है, प्रोसेस एंड टेक्निक और एक्सेस. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेल्डेबिलिटी पे इफेक्ट रखते हैं. एक्सेस समटाइम्स लिमिटेड होती है तो उसकी वजह से भी वेरियस फैक्टर्स आ जाते हैं. हीटिंग इफेक्ट आ जाते हैं, आपके पास अगर एक्सेस की वजह से प्री हीटिंग की ऑप्शन ही नहीं है लेकिन मटेरियल को करना पड़ेगा, वहाँ पे भी इफेक्ट हो गई. PWST आपने देनी है, एक्सेस नहीं है, इफेक्ट हो गई. समझ आए? सो ही कैन आस्क यू क्वेश्चन हियर दैट विच फैक्टर्स कैन अफेक्ट द वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील. ये कुछ फैक्टर्स, राइट? सो वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन कार्बन एंड अदर अलॉइंग एलिमेंट्स. इफ अ मटीरियल इज लिमिटेड वेल्डेबिलिटी वी नीड टू टेक स्पेशल मेजर्स. लिमिटेड मीन्स पुअर वेल्डेबिलिटी. ओके, पुअर वेल्डेबिलिटी नॉर्मली रिजल्ट इन अकरेंस ऑफ क्रैकिंग. इसकी वजह से क्रैकिंग आती है, राइट? अ स्टील इज कंसिडर्ड टू हैव पुअर वेल्डेबिलिटी व्हेन एन एक्सेप्टेबल जॉइंट कैन ओनली बी मेड यूजिंग वेरी नैरो रेंज ऑफ वेल्डिंग कंडीशंस.
एंड वेन ग्रेट प्रिकॉशंस वी नीड टू अवॉइड क्रैकिंग आर एसेंशियल लाइक हाई प्री हीट, और अगर हम ये नहीं देते हैं तो वेल्डेबिलिटी विल बी पुअर। जी ओके, और ये वैसे भी जब पुअर वेल्डेबिलिटी होती है तब हम ये काम करते हैं, राइट? जब आपको प्री हीट करते हुए भी ग्रेटर प्रिकॉशंस लेनी पड़े और वेरी नैरो रेंज ऑफ कंज्यूमेबल्स हो, तो वहां पे जाके वेल्डेबिलिटी पुअर होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है तो स्टील्स टू प्रोड्यूस दी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू मेक इट यूजफुल फॉर एन एप्लीकेशन। मोस्ट एलिमेंट्स कैन हैव मैनी इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील्स। कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज को, दीज आर टेम्परेचर रेट्स बिफोर एंड ड्यूरिंग वेल्डिंग, आपके हीट इनपुट है, और फाइनल कूलिंग रेट, दैट इज आफ्टर वेल्डिंग और PWSD। ओके, सो आयरन वी मेनली यूज दिस फॉर द स्टील मेकिंग, और ये मेजर कंटेंट होता है आयरन, मेजर स्टील कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट? रिलेटिवली सॉफ्ट और डक्टाइल होता है विद लो स्ट्रेंथ, तो इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए कार्बन ऐड किया जाता है जो कि इसकी हार्डनेस बढ़ाता है, डिक्रीज करेगा अवेलेबिलिटी को। फिर टफनेस को इंक्रीज करने के लिए एक सेकेंडरी ओनली टू कार्बन फॉर स्ट्रेंथ, टफनेस एंड डक्टिलिटी, सेकेंडरी डीऑक्सीडाइजर के तौर पे भी ऐड किया जाता है इसको, राइट? दैट विल रिएक्ट विद सल्फर एंड फॉर्म मैंगनीज सल्फाइड, या सॉलिफिकेशन क्रैकिंग से भी बचाने में काम आता है आपके, हाई मैंगनीज अगर फिलर होगा तो। एंड अप टू 1.6% तक अगर आप इसको स्टील में ऐड करते हैं तो ये आपको स्ट्रेंथ और टफनेस प्रोड्यूस करेगा। तो सिलिकॉन रेसिड्यूअल एलिमेंट फ्रॉम स्टील डीऑक्सीडेशन प्रोवाइड करेगा, टिपिकली आपको 0.35% तक ऐड किया जाता है। फॉस्फोरस रेसिड्यूअल एलिमेंट फ्रॉम स्टील मेकिंग मटेरियल्स, और इसको हम 0.01% 15% से कम नहीं कर सकते, ये ब्रिटलनेस कॉज करता है स्टील में। सल्फर अगेन रेसिड्यूअल एलिमेंट है और इसको भी कम नहीं किया जा सकता, और अगर बहुत ज़्यादा क्लीन स्टील हो तो उसमें सल्फर का कंटेंट कितना होता है, 0.003%, राइट? एल्यूमिनियम डीऑक्सीडेंट और ग्रेन साइज कंट्रोल के लिए टिपिकली 0.02 to 0.05% तक। क्रोमियम को क्रीप रेजिस्टेंस के लिए और स्केलिंग से बचने के लिए एलिवेटेड टेम्परेचर सर्विसेज पे इसको यूज किया जाता है। ओके, और इसको ऐड करते हैं हम टिपिकली 1 to 9% इन लो अलॉय स्टील्स। इट विल गिव यू इंक्रीज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बट रिड्यूस द डक्टिलिटी। क्रोमियम रेजिस्टेंस के लिए नहीं यूज करते रोहियन रेजिस्टेंस के लिए क्रीप थे, लेकिन क्रीप लिखा हुआ था। रेजिस्टेंस और स्केलिंग होती है हाई टेम्परेचर पर जाके, तो अच्छा उससे उससे बचाने के लिए क्रोमियम के साथ मोली ऐड किया जाता है। क्रोमियम बोलिए। मोली के अलावा यूज किए जाते हैं नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे, ये सपोर्ट करते हैं। निकल को हम यूज करते हैं लो टेम्परेचर सर्विसेज पे, और इसको स्टेनलेस स्टील में यूज करते हैं ताकि एसिड वगैरह से, एसिडिक क्रोयन से रेजिस्टेंस देता है, ये आपको स्ट्रेंथ और टफनेस इंक्रीज करता है। मोली विल अफेक्ट हार्डनेबिलिटी, स्टील कंटेनिंग मोली आर लेस सेप्टेबल टू टेम्पर ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस नहीं होने देगा ये देन अदर अलॉय स्टील्स, राइट? सो इंक्रीज द हाई टेम्परेचर टेंसाइल एंड क्रीप रेजिस्टेंस, क्रीप स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। इसमें क्रीप रेजिस्टेंस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, क्रीप को भी ये अलो नहीं करता है। तो टिपिकली 0.5 to 1.0% तक ऐड किया जाता है। देन नायोबियम वेनेडियम टाइटेनियम एंड कॉपर, ये ग्रेन डिफाइनर्स हैं, टिपिकली 0.05% तक ऐड किए जाते हैं। प्रेजेंट एज रेजिडुअल टिपिकली 0.03% एडेड टू वेदर्ड स्टील्स लाइक टू गिव बेटर रेजिस्टेंस टू एटमोस्फेरिक क्रोयन। तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, इनके फंक्शंस आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या क्या फंक्शन है, किस किस लिए ये यूज होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स।
सो वी हैव प्लेन कार्बन स्टील, अलॉय स्टील्स. व्हाट अबाउट प्लेन कार्बन स्टील? कार्बन स्टील जो है, इसमें कार्बन की एलिमेंट है, ये अफेक्ट करेगा स्ट्रेंथ, हार्डनेस और डक्टिलिटी को. स्ट्रेंथ और हार्डनेस आपकी बढ़ेंगी जबकि डक्टिलिटी डाउन आती जाएगी. ये देख रहे हैं, इसमें जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो, डक्टिलिटी की ये लाइन है इस ग्राफ पे, ये डाउन आती जा रही है जबकि बाकी चीज़ें अबव जा रही हैं. तो प्लेन कार्बन स्टील में तीन तरह की स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील. सो नॉर्मली इनमें से कौन सी स्टील है जिसको हम वेल्डिंग के लिए यूज नहीं करते? वेल्डिंग हाई कार्बन स्टील, इसको कहाँ पे यूज करेंगे? के लिए सर नहीं करते, कार्बन वेल्डिंग के लिए नहीं करते, कहाँ पे कर सकते हैं फिर? स्टील को फिर ये नॉर्मली टूल मेकिंग में यूज होती है. जितने भी आपके टूल्स बनते हैं ना, वो हाई कार्बन स्टील से बनते हैं. और लो कार्बन, मीडियम कार्बन स्टील, ये ग्रेड्स जो है ये वेल्डिंग के लिए यूज होते हैं. सो प्लेन कार्बन स्टील कंटेन ओनली आयरन एंड कार्बन एज मेन अलॉयिंग एलिमेंट, बट ट्रेसेस ऑफ मैंगनीज, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस में ऑल्सो भी प्रेजेंट. अलॉय स्टील जिनमें लेस देन 7% अलॉयिंग एलिमेंट है वो लो अलॉय स्टील, जिसमें ग्रेटर देन 7% अलॉयिंग एलिमेंट है वो हाई अलॉय स्टील. सो अलॉय स्टील्स आर कंसिडर्ड द टाइप ऑफ स्टील्स दैट प्रेडोमिनेंटली कंटेन एक्स्ट्रा अलॉयिंग एलिमेंट देन अदर देन आयरन एंड कार्बन. सो इसमें आयरन या कार्बन से ज्यादा अमाउंट में अलॉयिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं. कार्बन स्टील, कार्बन कॉन्टेंट अप टू 0.25, मैंगनीज अप टू 0.8. स्ट्रेंथ लो रहेगी, मॉडरेट टफनेस मिलेगी. अगर आप मैंगनीज ऐड कर देते हो अप टू 1.6%, तो इम्प्रूव टफनेस मिल जाएगी आपको विद द एडिशन ऑफ मैंगनीज. एंड देन इससे भी ज्यादा अगर स्ट्रेंथ और टफनेस चाहिए तो उसको बढ़ाया जा सकता है बाय एडिशन ऑफ ग्रेन रिफाइनिंग एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, नायोबियम, इरिडियम वगैरह, राइट? सो हाई स्ट्रेंथ के ग्रेड्स जो है वो HSLA, हाई स्ट्रेंथ लो लेस स्टील्स, दीज आर लाइक KPI-5, LX-65 एंड जैसे जो हायर के ग्रेड हैं उनको कंसिडर किया जाता है. बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज ग्रेड्स, ओके? देन क्रोमियम एंड मोली वी हैव डिस्कस्ड कि इसको हम हाई टेम्परेचर सर्विसेज पे क्रीप रेजिस्टेंस या स्केलिंग से बचने के लिए इसको यूज करते हैं. टिपिकली इसकी 2% आती हैं. लो टेम्परेचर के लिए निकल स्टील्स यूज होती हैं जिनको हम क्रायोजेनिक स्टील्स भी कहते हैं. इसके टिपिकल एग्जाम्पल्स में 3.5%, 9% निकल स्टील्स हैं. देन वी हैव ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील ग्रेड्स. अब स्टेनलेस स्टील में ये देख लें, आपके पास काफी ग्रेड्स आ जाते हैं. ऑस्टेनाइटिक ग्रेड, ये स्पेसिफिक ग्रेड है जो कि नॉन मैग्नेटिक होता है. ये इसकी ये परसेंटेज 18% क्रोमियम, 8% निकल, ये परसेंटेज नॉन मैग्नेटिक है. बाकी इसके ग्रेड मैग्नेटाइज हो सकते हैं. मेन फेज इज ऑस्टेनाइट, बट सॉरी, मेन फेज इज ऑस्टेनाइट सो वी कैन नॉट मैग्नेटाइज दिस वन, राइट? वेरी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. लो टेम्परेचर सर्विसेज पे भी यूज कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर सर्विसेज पे भी यूज कर सकते हैं. लो थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी, हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है. इसको वेल्ड करते हुए इसका फैलाव बहुत होता है, कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, इसकी वेल्डिंग बहुत डिफिकल्ट है, ओके? फ्रेटिक एंड मार्टनसाइटिक ग्रेड अलॉयड विद क्रोमियम बट हैव नो और लो निकल कॉन्टेंट. 13% क्रोमियम इन फेरेटिक, 13% क्रोमियम प्लस 4% निकल इन मार्टनसाइटिक. दिस ग्रेड कैन बी मैग्नेटाइज बिकॉज वी हैव फेराइट एज अ मेन फेस और द स्ट्रक्चर इज BCC, राइट? BCT कैन ऑल्सो बी मैग्नेटाइज. सो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स टू कार्बन एंड कार्बन मैग्नेट स्टील बट विद इम्प्रूव क्रोमियम रेजिस्टेंस, बट नॉट सुटेबल फॉर वेरी लो टेम्परेचर. बट सम फेरेटिक ग्रेड्स वी कैन यूज एट हाई टेम्परेचर्स, दे विल रेजिस्ट दी स्केलिंग. स्केलिंग नहीं होने देंगे. स्केलिंग बाज होगा जिसको ऊपर कहते हैं ना, जल्द उतरना, पंजाबी में इसको कहते हैं चढ़ेप उतरना. ऊपर से थोड़ी थोड़ी जो है ना स्किन स्टील के ऊपर से कुछ कंटेंट, मेटालिक कंटेंट, वो ऊपर से उतरने लग जाता है, उसको स्केलिंग कहते हैं.
लाइक आप अगर कभी देखो ना कि आप एक मेटल की बार लो, उसको बिल्कुल रेड हॉट करो, रेड हॉट करने पे आप जब उसके ऊपर ऐसे हैमरिंग करते हो तो कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा उतरता है, उसको कहते हैं स्केल। ओके, तो ये उसे रेजिस्टेंस देती है। डुप्लेक्स ग्रेड अलॉयड विद क्रोमियम एंड सम निकर, राइट, दो तरह के परसेंटेजेस हैं इसके। इसको डुप्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो फेजेस आ रही हैं, 50% फेराइट है, 50% ऑस्टेनाइट है। सो प्रेजेंस ऑफ फेराइट मीन्स दैट दी स्टील्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड, राइट, जी सर, ये स्ट्रॉन्गर है देन 304 एंड 316 ग्रेड, राइट। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील के ग्रेड से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इसको हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे यूज नहीं करते, ये नॉर्मल टेम्परेचर रेंज के लिए यूज होगी। कार्बन ये थ्री जी, जीरो फोर 316 ये ऑस्टेनाइट से कैसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर इसमें दो दो फेजेस आ रही हैं ना, दो फेजेस हैं जी। तो उसकी ऑब्वियसली उसमें फेराइट की क्वालिटीज भी हैं, ऑस्टेनाइट की क्वालिटीज भी हैं, तो ये उससे अच्छा फंक्शन परफॉर्म करेगी। वैसे भी मैग्नेटाइज ओके, कार्बन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे गौर से देख लो इस फॉर्मूला में, तो हर किसी का ऑलमोस्ट वीएन फैक्टर है सिवाय कार्बन को छोड़ के, राइट। कार्बन को छोड़ के हर किसी का वीएन फैक्टर है, तो कार्बन पे मेन डिपेंडेंट है। जितना हायर होगी कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू, उतनी ज्यादा ससेप्टेबिलिटी टू ब्रिटलनेस एंड लोअर दी वेल्डेबिलिटी, राइट। वाई? बिकॉज हार्डनेबिलिटी विल इंक्रीज। जी सर, सो माइल्ड स्टील की कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू लेस देन 0.4 है, लेस देन 0.4 की वैल्यू पे ये रेडिली वेल्डेबल है। इसके माइट पॉसिबल के कोई अगर ज्यादा थिकर सेक्शन है तो वहां पे मे रिक्वायर प्री हीट, मे रिक्वायर, नॉट मैंडेटरी। जिनकी कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू 0.4 to 0.5 तक है, जैसे कार्बन मैंगनीज, मीडियम कार्बन और लो अलॉय स्टील्स हैं, दीज आर फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ 0.4 to 0.5। इसके थिन सेक्शंस को हम विदाउट प्री हीट वेल्ड कर सकते हैं, बट थिकर सेक्शंस के लिए लो प्री हीट लेवल्स, लो हाइड्रोजन प्रोसेस, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको यूज करने पड़ेंगे। हाई कार्बन एंड अलॉयड इलेक्ट्रोड्स कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.5 प्री हीट, लो हाइड्रोजन प्रोसेस, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पोस्ट वेल्ड हीटिंग एंड स्लो कूलिंग में बी रिक्वायर्ड। ओके, सो अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो फिर आपको ये सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। सो व्हाट डज दैट मीन कि सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस किसको चाहिए? ग्रेटर देन 0.5 को। इलेक्ट्रोड ओके, की बात नहीं कर रहा। अगर आपसे कोई वेल्डेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन कर लेता है और आपको जो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा ना, जो जी मैक्सिमम वैल्यू देगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। वाई? बिकॉज जितनी ज्यादा हाई वैल्यू होगी उतनी ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। ओके, जितनी लो वैल्यू है उसको तो जरूरत ही नहीं है, राइट। हाँ जी, देन प्रोसेस क्रैक्स हैं, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैकिंग हीट अफेक्टेड जोन में कार्बन मैंगनीज स्टील में आती है, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड वेल्ड मेटल क्रैकिंग HSL में आएगी, सॉलिफिकेशन या हॉट क्रैकिंग जो सभी स्टील्स में आ सकती है, लैमिनार टियरिंग सभी स्टील्स में आ सकती है, रीहीट क्रैकिंग सभी स्टील्स में स्पेशली क्रोमियम मोली या वनेडियम स्टील्स में, इंटरक्रिस्टलाइन क्रोयन या वेल्ड के जो है ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील में आती है। So, जब हम क्रैकिंग को कंसिडर कर रहे हैं, व्हेन कंसिडरिंग एनी टाइप ऑफ क्रैकिंग मैकेनिज्म, चार एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या? स्ट्रेस, रेस्ट्रेन, माइक्रोस्ट्रक्चर एंड टेम्परेचर, राइट। स्ट्रेस क्या है? ये रेजिडुअल स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द वेल्डमेंट थ्रू अनबैलेंस्ड लोकल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज रेजिडुअल स्ट्रेस। अनबैलेंस्ड लोकल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस आती हैं। रेस्ट्रेन क्या है? ये मे बी लोकल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है थ्रू प्लेट्स या फिर दो प्लेट्स से हो सकती है बीइंग वेल्डेड टुगेदर, रिस्ट्रेन करते हैं ना, बार बार हम टैकिंग वगैरह करते हैं जो वो रिस्ट्रेन कर रहे होते हैं मेंबर्स को। तो रिस्ट्रेन मीन्स
आपने उसको जकड़ लिया, आप उसको मूवमेंट अलोन ही कर रहे हैं, तो ठीक ट्रैक्शन है। जब वेल्डिंग होगी आपने रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंड जो डिस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है उसके अंदर फिक्सर्स होते हैं जो कि दोनों मेंबर्स को ऐसे होल्ड करके रखे हुए हैं। बैक अगर आपने उनको ज्यादा देर या ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है, वो रिस्ट्रेन जो है उसकी वजह से अंदर मटेरियल में स्ट्रेसेस रिजाइड कर जाएंगे, समझ आई। उसकी वजह से भी क्रैकिंग आ सकती है, तो हमें मटेरियल को रिस्ट्रेन करना जरूर है लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक, बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन नहीं कर देना, ओके, कि उसके अंदर मूवमेंट ही ना रहे, समझ आई। माइक्रोस्ट्रक्चर जो कि जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है हार्ड स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन की, और टेम्परेचर ओनली एप्लीकेबल टू सर्टेन टाइप ऑफ क्रैकिंग्स। सो फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैकिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज HICC, हाइड्रोजन क्रैकिंग, टो क्रैकिंग, अंडरबीट क्रैकिंग, डिलेड क्रैकिंग, शेवरॉन क्रैकिंग, ओके। इसको अप टू 72 आवर्स क्रैकिंग भी बोला जाता है, ओके। सोकर करती है कार्बन स्टील, कार्बन मैंगनीज, लो मीडियम एंड हाई अलॉय स्टील, मेनली फ्रेटिक और मार्टनसाइटिक स्टील्स में, वेरी रेयर इन डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील्स, नेवर इन निकल और कॉपर अलॉयज। क्रैक टाइप, ये क्रैकिंग हीट अफेक्टेड जोन में भी आ सकती है, वेल्ड मेटल में भी आ सकती है, बट रिमेंबर जब वेल्ड मेटल में आएगी तो 45 डिग्री के एंगल पे आएगी, इसमें स्ट्रेस 45 डिग्री के एंगल पे आएगी वेल्ड मेटल में, राइट। सो हीट अफेक्टेड जोन में लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड मेटल में ट्रांसवर्स लाइक दिस, ओके। तो स्टील टाइप, वो तमाम स्टील जिनको हार्डन किया जा सके, इंक्लूडिंग HSLE, क्वेंचेंट टेम्पर्ड एंड TMCP प्रोसेस, बिकॉज इन सब में ससेप्टेबिलिटी है किसकी फॉर्मेशन की, मार्टनसाइट की। तो देर इज अ रिस्क ऑफ हाइड्रोजन क्रैकिंग व्हेन ऑल ऑफ फोर फैक्टर्स अकर टुगेदर, जब ये चारों चीजें एट अ टाइम मौजूद हो जाए तो उस टाइम पे जाके हाइड्रोजन क्रैकिंग आ जाएगी। हाइड्रोजन कंटेंट जब मोर देन 15 ml पर 100 ग्राम ऑफ दी वेल्ड मेटल आ जाए तब आएगी। अगर आपके स्ट्रेसेस हाफ ऑफ द यील्ड से बढ़ जाएं तो आएगी। जब आपका टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस से बिलो चला जाए, और जब आपके ज्वाइंट में हार्डनेस ग्रेटर देन 4 HV विकर मेथड से 400 की वैल्यू से अबव आ जाए तो वहाँ में मॉडर्न साइटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये क्रैकिंग टेक प्लेस करेगी। अब हम इनमें से किसी एक फैक्टर को भी अगर एलिमिनेट करवा देते हैं तो इसका चांस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन क्रैकिंग आएगी ही नहीं, अभी इसके चांसेस कम हो जाएंगे क्रैकिंग के इनिशिएट होने के, राइट। मे अगर अप टू 72 आवर्स आफ्टर कंप्लीशन, ये नॉर्मली 72 घंटे तक इसको देखा जाता है कि क्रैकिंग आती है या नहीं आती। अगर ये बाजू का टाइम लेने लग जाए तो 2 साल, 5 साल, 10 10 साल भी लग जाते हैं, ओके। सो इन वेल्ड मेटल हीट अफेक्टेड जोन पेरेंट मेटल सभी में आ सकती है, एट वेल्ड टोज अंडर बीड आती है, स्ट्रेस रेजर, स्ट्रेस रेजर्स पे कैसे आएगी, क्योंकि स्ट्रेस इज अ फैक्टर, स्ट्रेस इज अ फैक्टर इन दिस क्रैकिंग, राइट। तो हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम नोन, ये एंटर कहाँ से होगा, एंटर द वेल्ड बाया द आर्क, या फिर सोर्स और भी है, मॉइस्चर पिकअप से हो सकता है ऑन द इलेक्ट्रोड कोटिंग, या वेल्डिंग फ्लक्स से, या कोई ऑयल या ग्रीस वगैरह से भी, राइट। अब जब स्टील बिलो 300 डिग्री सेल्सियस होती है तब ये कॉन्ट्रैक्शन में है, तो अगर हाइड्रोजन अंदर होगी तो वो ट्रैप क्या होगी, इंट्रैप। ट्रैप और अगर ये अबव 300 चला जाता है तो अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स
एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे, स्टील फैलाव में आना शुरू हो जाएगी। फैलाव में आने पे अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो अंदर से डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? बिकॉज ये जब मॉलिक्यूल बन जाएंगे ना एक साथ मिलके जब कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आके फिर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देते हैं। सो कीप इन माइंड जब ये एटॉमिक फॉर्म में है तभी ये बाहर निकल जानी चाहिए। तो इस तरह से वेल्डिंग आर्क ये आ सकती है, अगर अनस्टेबल आर्क को हाइड्रोजन आएगी तो क्रैकिंग हो जाएगी। सो जैसे जैसे आपकी स्टील की ये कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, 0.8 से अबव जाएंगे तो क्या होगा, डक्टिलिटी आपकी डाउन आनी शुरू हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, हार्डनेस भी बढ़ेगी, राइट। इससे बिलो आपकी डक्टिलिटी जो है वो एक रेंज तक अच्छी रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाएंगे ये डाउन होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो ये कुछ टिपिकल लोकेशंस हैं जहाँ पे हाइड्रोजन क्रैकिंग आ सकती है। देख रहे हैं स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, ये 45 डिग्री के एंगल पे वेल्ड मेटल में क्रैकिंग आ रही है। ये क्या है, हीट अफेक्टेड जोन में क्रैकिंग है, ये अंडर बीट क्रैकिंग आ रही है बीट के नीचे, ये आ रही है टोस पे क्रैकिंग, यहाँ पर टोस पे क्रैक कर रहे हैं, अगेन ये टो पे क्रैक आ रहे हैं। तो प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं हम, प्री हीट कर सकते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करवा सकते हैं, स्लो डाउन द कूलिंग रेट। प्री हीट का काम क्या होगा, प्री हीट करने से एक तो मॉइस्चर निकल जाएगा और दूसरा आपका ज्वाइंट जल्दी ठंडा नहीं होगा। ज्वाइंट प्रिपरेशन को इंश्योर करें कि वो क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन है, ताकि कहीं से भी हाइड्रोजन का सोर्स अवेलेबल ना हो। लो हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोसेस और करेक्ट आर्क लेंथ यूज करें, क्योंकि आर्क लेंथ अगर आप बढ़ाएंगे तो तब भी जैसे ही गैप आया आर्क अनस्टेबल हुई तो हाइड्रोजन आ जाएगी अंदर। ओके, इंश्योर ऑल वेल्डिंग इज कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस, फिटअप अच्छा रखें ताकि स्ट्रेसेस ना आए, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट को यूज करें ताकि आप स्ट्रेसेस को, जो पीक स्ट्रेसेस होती हैं उनको रिमूव करवा सकें, एंड अवॉइड पोर प्रोफाइल्स, पोर प्रोफाइल्स इरेगुलर प्रोफाइल्स नहीं बनानी, प्रोफाइल आपके वेल्ड की प्रॉपर होनी चाहिए। स्केल एज फॉर हाई हाइड्रोजन, बाकी जितने भी स्केल्स हैं ये सारे अप्रूव्ड हैं, क्योंकि 10 to 15 तक अलाउ है आपको, 15 ml से ज्यादा अगर हुआ हाइड्रोजन कॉन्टेंट तो वो फिर हाई में कंसिडर होगा। लोएस्ट हाइड्रोजन प्रोसेस इज टेक, हाईएस्ट हाइड्रोजन प्रोसेस इज FCAW। सो हाइड्रोजन क्रैकिंग की अवॉइडेंस, अगर हाइड्रोजन से बचना चाहते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रोड यूज करो या फिर मैग प्रोसेस यूज कर लो। देन स्ट्रेसेस, अगर स्ट्रेसेस से बचना है तो डिजाइन अच्छा करो और बैलेंस वेल्डिंग करो ताकि स्ट्रेसेस वगैरह से बच सको। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो, रैप करके स्लोली कूल करवाओ ताकि हाइड्रोजन अंदर से डिफ्यूज हो जाए। हार्डनेस प्री हीट करें ताकि कूलिंग रेट रिड्यूस हो, जिससे हार्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन ना हो। ओके, बेसिक वर्सेस रूटाइल यूज कर सकते हैं, मैग वर्सेस MMA, इंक्रीज हाइड्रोजन डिफ्यूजन विद द इंक्रीज प्री हीट, मेंटेन करके रखें प्री हीट को आफ्टर वेल्डिंग ताकि डिफ्यूजन हो जाए, बेक करें बेसिक MMA या 100 के फ्लक्सेस को, मैन्युफैक्चरर्स की रिकमेंडेशन है। क्लीनलीनेस और ड्राइनेस ऑफ कंज्यूमेबल एंड वेल्ड प्रिपरेशन। ओके, आपने अपने जो कंज्यूमेबल्स हैं या वेल्ड प्रिपरेशन हैं उनको क्लीन और ड्राई रखना होता है। यूज ऑफ ऑस्मेटिक या निकल फिलर्स यूज करें इफ एक्सेप्टेबल, वाई, बिकॉज दीज आर डक्टाइल मटीरियल्स। सो प्रिवेंशन, स्लो द कूलिंग रेट, रिड्यूस हाइड्रोजन लेवल, रिड्यूस दी रेजिडुअल स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस से बचना है तो अब इंक्रीज किस तरह से होती हैं स्ट्रेसेस, दिस विल इंक्रीज बाय
अगर थिकनेस इंक्रीज होगी, रिस्ट्रेन, अगर आप ज्यादा रिजिड फिक्सचर यूज करते हो, वेल्ड वॉल्यूम ज्यादा है तो, या इंसर्ट्स को यूज करते हैं तो आ सकती है। मल्टीपास की बजाय मल्टीपास आप यूज करते हो एज कम्पेयर टू सिंगल पास, और छोटी बीड्स यूज करते हो एज कम्पेयर टू लार्ज बीड्स। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को उल्ट करते जाएं, लो थिकनेस हो, लो रिस्ट्रेन हो, सिंगल पास कोशिश करें। अगर मल्टीपास करना है तो उसमें फिर बड़ी बीड यूज कर लें ताकि नंबर ऑफ वेल्ड रन्स आपके कम हो जाए। ओके, अवॉइड रिस्ट्रेन, प्री हीट कैन हेल्प लार्ज वेल्ड पासेस, मिनिमाइज वॉल्यूम ऑफ वेल्ड मेटल, PWST करें, ड्रेस वेल्ड टोज, जो आपने ड्रेसिंग करनी होती है वेल्ड टोज की वो भी प्री हीट टेम्परेचर पे करें। प्री हीट आपने दोनों साइड्स पे अप्लाई करनी होती है और इसके मेजरमेंट आपने 2 मिनट बाद लेनी होती है। ऑलवेज बेस्ट टू कंप्लीट बेस्ट टू हीट द कंप्लीट कंपोनेंट रादर देन लोकल इफ पॉसिबल टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन। क्योंकि अगर आप प्री हीट करते हो या आप पोस्ट हीट भी करते हो अपने मेंबर को, तो आपके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन क्या है कि उसको फर्नेस हीटिंग दो ताकि अनबैलेंस हीटिंग ना हो उसमें। अगर डिस्ट्रिक्टेड आप फ्लेम से करते हो, फ्लेम से अगर ट्रीटमेंट दोगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ी सी जगह आपने कर दी, फिर थोड़ी सी जगह की, पहले वाला जो है वो ठंडा होता जाएगा, अगले वाला जो है वो हीटअप होता जाएगा। ये अनबैलेंस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, तो प्री हीट ऑलवेज बिफोर ऑलवेज हायर फॉर फिलेट देन, बट ड्यू टू कंबाइंड थिकनेस एंड चिलिंग फैक्टर। वो क्यों होता है, अब ये देखो जैसे कि बट लगा हुआ है ना, तो इसकी डायरेक्शन दो साइड्स पे है, इसकी कूलिंग दो साइड्स पे होगी, जबकि ये टी लगा हुआ है। इसमें फिलेट जब आप लगाते हो तो कूलिंग नीचे वाली प्लेट की दोनों साइडों पे, ऊपर वाली प्लेट की एक साइड पे जा रही है, तो ये उससे ज्यादा होगी। फिर थिकनेस पे, थिकनेस लो है तो एक साइड पे जाएगा, अगर थिकनेस ज्यादा तो अब ये फोर साइड्स पे जाके कूल हो रहा है। ओके, फिर ये देख लो, अगर ये फुल थिकनेस में लगता है तो दो साइड्स पे, अगर हाफ में लगेगा तो तीन डायरेक्शन में कूलिंग होगी, तो ये ज्यादा जल्दी कूल होगा। ज्यादा जल्दी कूल होने पे क्या होगा, हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, राइट? सो फर्नेस इज द बेस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एंड गैस बर्नर्स, रेडियंट गैस हीटर्स, इंडक्शन हीटिंग है, या फिर इस तरह से आप मैनुअल गैस ऑपरेशन भी कर सकते हो। इसको बेस्ट मेथड क्या होता है प्री हीट को मेजर करने का, थर्मोकपल्स ये अटैच्ड होते हैं विद द चार्ट रिकॉर्डर, दे विल गिव यू वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट। पायरोमीटर्स ये आपको रिकॉर्ड नहीं देते हैं, ठीक है, ये जस्ट पायरोमीटर, टच पायरोमीटर होते हैं, आपने सरफेस के साथ लगाया, और ये डिपेंड करता है कि मटेरियल भी मैग्नेटिक होना चाहिए उस पर लगते हैं। टेम्पल स्टिक्स जस्ट लाइक पेन होता है जो कि आपने अपने कंपोनेंट के ऊपर लगाया और उसको चेक करना होता है, उसकी जब एक खास टेम्परेचर रेंज आती है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मेल्टिंग हो गई तो दैट मीन्स कि वो टेम्परेचर रीच कर गई, ये जस्ट एक आइडिया लेने के लिए, कोई एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं होता है इसका। तो एक्यूरेट मेथड इज विद थर्मोकपल्स। ओके, सो देन अगेन कैलकुलेटेड प्री हीट्स होनी चाहिए, नेवर अलाउ इंटर पास टेम्परेचर टू गो बिलो द प्री हीट वैल्यू, यूज लो हाइड्रोजन प्रोसेसेस विद शॉर्ट आर्क्स इफ यूजिंग सेलुलोसिक फॉर द रूट रन हॉट पास एज सून एज पॉसिबल। ओके, बिफोर हीट अफेक्टेड जोन इज बिलो द 300 डिग्री सेल्सियस। सो रिमूव एनी पेंट ऑयल मॉइस्चर, कैरी आउट स्पेसिफाइड PWSTs, अवॉइड एनी रिस्ट्रेन, यूज हाई डक्टिलिटी वेल्ड मेटल। ओके, सो हाई हीट इनपुट, हाई हीट इनपुट वी नीड टू हैव स्लो कूलिंग। जी ओके, सर, लो टफनेस बिकॉज देयर विल बी ग्रेन ग्रोथ रिडक्शन इन दी यील्ड स्ट्रेंथ। लो हीट इनपुट पे फास्ट कूलिंग, इंक्रीज हार्डनेस होगी, हाइड्रोजन इंट्रैपमेंट के चांसेस है, लैक ऑफ फ्यूजन के चांसेस है, राइट? क्योंकि जैसे जैसे हीट इनपुट बढ़ती है कूलिंग क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि वेल्ड ज्वाइंट आपका ज्यादा देर तक हॉट रहेगा, उसकी वजह से
ग्रेन ग्रोथ होगी, एंड मैंने आपको बताया था कि लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो लो टफनेस रखता है, उसमें टफनेस लो होगी एंड ऑब्वियसली देर विल बी रिडक्शन इन द यील्ड। ओके, सॉलिफिकेशन क्रैकिंग आती है सेंट्रल लाइन में और ये स्ट्रेट क्रैक आता है। ओके, और वेल सेंट्रल लाइन में डायरेक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, आती किस वजह से, हाई सल्फर एंड फॉस्फोरस कंसेंट्रेशन इन द स्टील्स, सस्पेक्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर इसका क्या होता है, कॉलमनर ग्रेन्स इन डायरेक्शन ऑफ सॉलिफिकेशन, जैसे जैसे स्टील आपकी सॉलिड होती जाती है अंदर से वेल मेटल, तो ये इम्प्योरिटीज जो है वो अंदर आके सेंटर में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, और जब ये सॉलिड होती है तो फिर क्या होगा, क्रैक। सो सल्फर इन द पेरेंट मेटल में डाइल्यूट इन द वेल्ड मेटल टू फॉर्म आयरन सल्फाइड्स, आयरन सल्फाइड बनाएगा, लो स्ट्रेंथ है, लो मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड है ये। ड्यूरिंग वेल्ड मेटल सॉलिडिफिकेशन कॉलमनर क्रिस्टल्स पुश स्टिल लिक्विड आयरन सल्फाइड इन फ्रंट टू द लास्ट प्लेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, दैट इज वेल्ड सेंट्रल लाइन। तो ये क्रिस्टल्स इस लिक्विड को पुश करते जाएंगे साइडों से, ये सॉलिड होता होता जो बाकी लिक्विड बच जाएगा वो सारा आके किधर इकट्ठा हो जाएगा, सेंटर में। क्यों? क्योंकि वेल्ड मेटल जाके आपका सॉलिड हो रहा है अराउंड 1480 पे, और ये तब भी उस टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, इन्होंने जाके कहीं सॉलिडिफाई होना है 980 डिग्री पे, 1000 तक। ओके, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक पहले सॉलिड हो गया, ये बाद में होगा, इनकी आपस में जो खींचातानी होगी, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होनी है, उसकी वजह से अब लोकल एरिया भी कम है, ठीक है, क्योंकि बीट ज्यादा डीप और नैरो होती है, तो सरफेस एरिया भी कम है, तो जब स्ट्रेसेस पड़ेंगी तो ये वेल्ड सेंटर से क्रैक कर जाएगा, इमीडिएटली ऑन सॉलिडिफिकेशन ये क्रैकिंग आ जाती है, जैसे ही बीट सॉलिड हुई अगर ये क्रैकिंग आनी है तो ये आ जाएगी, इसको वेट नहीं करना पड़ेगा आपको कि इसको मैं देखूं अब 1 मिनट बाद आती है या 2 मिनट बाद, इमीडिएटली ऑन सॉलिडिफिकेशन। ओके, सो बॉन्डिंग बिटवीन द ग्रेन्स विच आर देमसेल्फ अंडर ग्रेट स्ट्रेस मे नाउ बी वेरी पुअर टू मेंटेन कोहेजन, व्हाई, ड्यू टू लेस सरफेस एरिया एंड अ क्रैक विल रिजल्ट दैट इन द वेल्ड सेंटर लाइन। सो कॉलमनर ग्रेन ग्रोथ विद इम्प्योरिटीज इन द वेल्ड मेटल, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस है, कार्बन है, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, ज्वाइंट डिजाइन अगर हाई डेप्थ टू विड्थ रेशियो आपने रखी है तो उसकी वजह से आएगी, लिक्विड आयरन सल्फाइड फॉर्म्ड अराउंड सॉलिडिफाइंग ग्रेन्स, क्योंकि होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, जब भी आप डाइल्यूट करवाते हो अपने पेरेंट मेटल को तो उसके अंदर अगर सल्फर कंटेंट मौजूद है तो वो आयरन और सल्फर मिलके आयरन सल्फाइड बना देते हैं, राइट, और ये आयरन सल्फाइड ही है जो कि सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग की मेन वजह बनता है। हाई डाइल्यूशन प्रोसेसेस आर बीइंग यूज्ड, देयर इज अ हाई कार्बन कंटेंट इन द वेल्ड मेटल, मोस्ट कॉमन अकरिंग इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड ज्वाइंट्स, क्योंकि इसमें हाई हीट इनपुट रहती है, हाई हीट इनपुट मीन्स मोर डाइल्यूशन। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जिस तरह से इसने शो करवाया, अब इस जगह पे सरफेस एरिया ज्यादा है, बीट चौड़ी है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल है कोहियन के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस बीट को देखो तो ये ज्यादा डीप है और ऊपर से नैरो है, इसकी डेप्थ विड्थ रेशियो ज्यादा है, इसकी डेप्थ विड्थ रेशियो कम है, तो जिसकी डेप्थ विड्थ रेशियो ज्यादा होगी उसके अंदर ये क्रैकिंग आ जाएगी। ओके, जब भी डीप नैरो वेल्ड बीट होगी उसमें सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग आएगी, शैलो या वाइडर वेल्ड बीट है उसके अंदर ये क्रैकिंग नहीं आती। प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम तो है लो डाइल्यूशन प्रोसेस, या ज्वाइंट डिजाइन चेंज कर लें, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है आपका पेरेंट मटेरियल, क्योंकि ये पेरेंट मटेरियल में इम्प्योरिटीज की वजह से अब हमारी मजबूरी है कि स्टील को इन इम्प्योरिटीज से जान नहीं छुड़वाई जा सकती, इसके बगैर हम स्टील को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आयरन की ओर से ही आती है, राइट, लेकिन इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लाइक जिसके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि वेरी क्लीन स्टील जो होती हैं उनमें सल्फर का कंटेंट लेस देन 0.0003% होता है। ओके, सो
आप फिर क्या करें, हाई क्वालिटी का पेरेंट मटेरियल यूज कर लो जिसमें ये ससेप्टेबिलिटी ना हो। फिर मैंगनीज यूज कर सकते हो आप, मैंगनीज फिलर यूज कर लो, ताकि मैंगनीज फिलर जो है वो मैंगनीज सल्फर के साथ मिलके क्या बना देगी, मैंगनीज सल्फाइड। जी सर, ओके, आयरन सल्फाइड नहीं बनाएगी। मैंगनीज सल्फाइड का क्या फायदा है कि मैंगनीज सल्फाइड भी उसी टेम्परेचर पे सॉलिड होगा जिस टेम्परेचर पे आपकी वेल्ड बीड सॉलिड होती है। यानी वो कहानी होगी नहीं कि पहले एक सॉलिड हो गया फिर दूसरा सॉलिड हुआ, वो चक्कर खत्म हो जाएगा, तो फिर इसमें क्रैकिंग नहीं आएगी। कार्बन कंटेंट को मिनिमाइज करके रखें, ओके, एंड लिमिट द हीट इनपुट एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड मिनिमाइज द स्ट्रेन, स्ट्रेसेस वगैरह नहीं आनी चाहिए। सो यूज ऑफ हाई मैंगनीज एंड लो कार्बन कॉन्टेंट फिलर्स वी कैन यूज, मिनिमाइज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, यूज ऑफ हाई क्वालिटी पेरेंट मटीरियल, क्लीन ज्वाइंट प्रिपरेशंस, ज्वाइंट डिजाइन सिलेक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा हाई डेप्थ टू विड्थ रेशियो ना हो। तो ये देख रहे हैं कि मैंगनीज इस तरह से आके इसके दरमियान को ही मेंटेन रखेगी। सो सॉलिफिकेशन क्रैकिंग इन ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील पर्टिकुलरली प्रोन टू सॉलिफिकेशन क्रैकिंग, लार्ज ग्रेन साइज गिव्स राइज टू रिडक्शन इन ग्रेन बाउंड्री एरिया विद हाई कॉन्ट्रैक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, क्योंकि इसका ग्रेन स्ट्रक्चर लार्ज होता है तो उसमें रिडक्शन आएगी इन ग्रेन बाउंड्रीज। ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर इज वेरी इंटॉलरेंट टू कंटेमिनेंट्स, ये बर्दाश्त नहीं करता, ये फौरी तौर पे क्रैक कर जाता है। हाई कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसमें हाई रेजिडुअल स्ट्रेसेस आएंगी। सेम प्रिकॉशंस अगेंस्ट क्रैकिंग एज फॉर प्लेन कार्बन स्टील विद एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन क्लीनिंग एंड हाई डाइल्यूशन कंट्रोल्स। डाइल्यूशन इसकी बहुत ज्यादा नहीं करवानी, क्लीनिंग रखनी है, तब आप उससे बच सकते हो। देन वी हैव लैमेलर टीयरिंग। सो लैमेलर टीयरिंग वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 4। ये एक स्टेप लाइक क्रैक होता है जो जस्ट बिलो द हीट अफेक्टेड जोन अकर करता है, और आता किस वजह से है, मटेरियल की पुअर थ्रू थिकनेस डक्टिलिटी की वजह से। यानी मटेरियल की जो थिकनेस है उसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसकी डक्टिलिटी कैसी है, अगर वो पुअर है तो उसकी वजह से ये क्रैकिंग आएगी। और पुअर थ्रू थिकनेस डक्टिलिटी कब होती है, जब अंदर कोई इम्प्योरिटीज हो, यानी लो क्वालिटी का अगर पेरेंट मेटल आप यूज करते हो उसमें आपको इस तरह की इम्प्योरिटीज मिलेंगी, लाइक लेमिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, सेग्रीगेशंस आ जाती हैं, राइट। सो इस क्रैकिंग की ज्यादा ससेप्टेबिलिटी टी टाइप ज्वाइंट में, कॉर्नर ज्वाइंट्स में, आई के वाई टाइप ज्वाइंट्स में होती है, जिसमें स्ट्रेस जब आके 90 डिग्री पे एक्ट करेगी, स्ट्रेस विल एक्ट ऑन 90 डिग्री टू दी रोलिंग डायरेक्शन, ओके, जस्ट लाइक दिस। जैसे यहाँ पे ये रोलिंग डायरेक्शन आ रही है और इधर ये रोलिंग डायरेक्शन आ रही है, राइट। सो यहाँ पे स्ट्रेस का एंगल क्या आ रहा है, स्ट्रेस इज ऑन 90 डिग्री। जब स्ट्रेस 90 डिग्री पे पड़ेगी तो मटेरियल में क्रैकिंग आना शुरू हो जाएगी, ओके। तो नॉर्मली कंपाउंड वेल्ड्स में आती है, बट में नहीं आती, बट ज्वाइंट में इसके ससेप्टेबिलिटी नहीं है। वाई, बिकॉज बट में आपने दोनों मेंबर्स को इस तरह से रखा होता है, रोलिंग डायरेक्शन सेम है, तो इसके लिए जरूरी क्या है, जब तक रोलिंग डायरेक्शन 90 डिग्री पे ना चली जाए, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में नहीं, राइट। सो फैक्टर्स, लो क्वालिटी पेरेंट मटेरियल की वजह से, ज्वाइंट डिजाइन अच्छा ना होने की वजह से जिसकी वजह से स्ट्रेस पड़ेगी, तो अगर बहुत ज्यादा ससेप्टेबल ज्वाइंट है तो वहां पे बहुत लो स्ट्रेस होने की वजह से भी ये क्रैकिंग इनिशिएट हो जाती है। हाई कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेन आती हैं थ्रू द शॉर्ट ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दिस इज लो थ्रू थिकनेस डक्टिलिटी इन द बेस मेटल, देयर इज हाई स्ट्रेन ऑन द वर्क। सो इसके लिए हम टेस्टिंग कर सकते हैं, थ्रू थिकनेस टेंसाइल टेस्ट है और क्रूसीफॉर्म, यानी एसटीआरए और क्रूसीफॉर्म टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। तो प्रिकॉशंस क्या है, यूज ऑफ हाई क्वालिटी पेरेंट मटेरियल, लो लेवल्स ऑफ इम्प्योरिटीज, राइट, बटरिंग रन्स लगा सकते हैं, डक्टाइल मटेरियल की लेयर लगा दें, गैप छोड़ा जा सकता है बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मेंबर्स,
ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो टेक प्लेस कर सके। ज्वाइंट डिजाइन सिलेक्शन ऐसे करें जिसमें स्ट्रेस जो है वो 90 डिग्री पे ना पड़े, मिनिमाइज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, और हाइड्रोजन प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं इसके लिए भी। सो नॉर्मली ऑलरेडी फॉस टी पीसेज आप यूज कर सकते हो या कॉर्नर पीसेज यूज कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे लगाओगे ये ससेप्टेबल है। अगर इस तरह से दोनों मटेरियल्स को कट करके आप अंदर डक्टाइल मटेरियल की लेयर भर दो, नॉन ससेप्टेबल। फिर ये है बटरिंग रन, कि आपने मेटल को थोड़ा सा ग्रिंड किया, ग्रिंड करके ऊपर डक्टाइल मटेरियल की लेयर डिपॉजिट करवा दी, राइट? या फिर थोड़ा सा गैप छोड़ दो मूवमेंट के लिए और वेल्डिंग कम करो आप, राइट? कॉर्नर के लिए अगर आप इस तरह से लगाते हो, ये नॉन ससेप्टेबल है, इस तरह से लगाओगे इसमें चांसेस हैं क्रैकिंग के आने के। इसकी क्या काम है जी? यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, ठीक है? सो वेल्ड के स्टैंड वी आल्सो कॉल इट इंटरग्रेनुलर क्रोयन, या इसका एक और नाम होता है, इसको नाइफ लाइन अटैक भी बोला जाता है। ओके, ये आता किधर है? वेल्ड हीट अफेक्टेड जोन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और आता स्टेनलेस स्टील में। अब हम कह रहे हैं क्रोयन भी है और स्टेनलेस स्टील पे, हाउ इज इट पॉसिबल? डजेंट मेक एनी सेंस कि स्टेनलेस स्टील है जिसमें आप क्रोयन रेजिस्टेंस के लिए ऑलरेडी एलिमेंट्स ऐड कर चुके हो, लेकिन साथ ही साथ आप कह रहे हो कि इस पर क्रोयन भी होगी। तो कौन स्टेबलाइजेशन जब वो टेंपरेचर हाई करते हैं जो क्रिएट होता है सर, वो इसे हम यूज करते हैं क्रिएट रेजिस्टेंस के लिए, क्रिएट जो है वहां पे अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज जो इस प्रॉपर्टीज की बिना पे जो वहां पे यूज करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और वहां पे क्रिएट स्मार्ट है। जहाँ पे आपने उसको इनिशियली उस एलिमेंट को ऐड किया जिस फंक्शन के लिए, वो उस जगह को, उस अपनी बाउंड्री को ही छोड़ देता है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज। सो एन एरिया इन द हीट अफेक्टेड जोन हैज बीन सेंसिटाइज, जिसको हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन, कि स्टील यहाँ से सेंसिटाइज हो चुकी है। बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम कार्बाइड, फॉर्मेशन होती है क्रोमियम उस टेम्परेचर पर जाके कार्बन के साथ मिलके क्या बना देते हैं, क्रोमियम कार्बाइड्स। दिस एरिया इज इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन रनिंग पैरेलल टू एंड ऑन बोथ साइड ऑफ वेल्ड। दिस डिप्लीशन ऑफ क्रोमियम विल लीव द इफेक्टेड ग्रेन्स लो इन क्रोमियम ऑक्साइड, व्हिच इज व्हाट प्रोड्यूसेस क्रोयन रेजिस्टिंग इफेक्ट ऑफ द स्टेनलेस स्टील। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, क्रोयन एंड फेलियर विल बी रैपिड। तो अगर आपने इसको जल्दी हल ना किया तो फिर क्या होगा, क्रोयन और फेलियर बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, अ स्मॉल ग्रेन एरिया इन द हीट अफेक्टेड जोन पैरेलल टू द वेल्ड विल फॉर्म क्रोमियम कार्बाइड एट द ग्रेन बाउंड्रीज। ओके, वी से दैट स्टील हैज बिकम सेंसिटाइज्ड और हैज बिकम सेंसिटिव टू क्रोयन। अब ये होता किस टेम्परेचर पे है? दिस इज द टेम्परेचर रेंज, 600 से 850 डिग्री पे जाके, 600 से 850 डिग्री पे क्रोमियम जो है वो क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है, इस तरह से ग्रेन बाउंड्रीज पे आ जाता है। ओके, व्हाई ड्यू टू एक्सपेंशन, ये क्रोमियम जो है अपनी जगह से डिप्लीट हो जाता है, जगह छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रोयन स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेन्स पे क्रोयन स्टार्ट हो जाएगी, राइट? सो इससे बचने के लिए हम करते क्या है, स्टेबलेस स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, लो कार्बन स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, दैट इज हैविंग कार्बन कंटेंट बिलो 4%, या फिर सेंसिटाइज स्टील को डिसेंसिटाइज किया जाता है जब हम इसको 1100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज है 600 से 850 तक। अब जब आप हाई करो हीट करके इसको 1100 पे ले जाते हो, टेम्परेचर जब आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगा, फिर रास्ते में आएगा 850, 850 पे आके दोबारा फॉर्मेशन होगी ना, तो फिर उससे बचने के लिए क्या कहते हैं, इसको सडन क्वेंचिंग करवाई जाती है इन वाटर और ऑयल। ओके, लेकिन उससे चांसेस क्या होते हैं, अब उसमें स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा आ जाती हैं और मटेरियल आपका
डिस्टॉर्ट कर जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाती है. सो दिस इज नॉर्मली क्वेंच्ड फॉर दिस टेम्परेचर टू स्टॉप रीएसोसिएशन. ओके, लेकिन ऐसा करने से मटेरियल में डिस्टॉर्शन बहुत आती है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेनलेस स्टील, राइट. सो वेल्डिंग और इंटरग्रैनुलर नाइफ लाइन अटैक में अकर इन ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज. क्रोमियम कार्बाइड प्रेसिपिटेशन एट द ग्रेन बाउंड्रीज टेक प्लेस एट दिस टेम्परेचर रेंज. क्रोमियम इज अब्सॉर्ब्ड बाय द कार्बन एट द ग्रेन बाउंड्रीज विच कॉजेज अ लोकल डिप्लेशन ऑफ क्रोमियम कॉन्टेंट इन द एडजेसेंट एरिया. तो कार्बन के अंदर ये डिजॉल्व हो जाता है. डिप्लेशन ऑफ क्रोमियम कॉन्टेंट इन द अफेक्टेड एरियाज रिजल्ट इन लोअरिंग मटीरियल रेजिस्टेंस टू क्रोमियम अटैक अलाउंग रस्टिंग टू अकर. तो यहाँ से स्टील के अंदर ग्रेन्स पे रस्टिंग आना शुरू हो जाती है. क्लियर. सो दिस इज हाउ दिस इंटरग्रैनुलर क्रोमियम विल लुक लाइक. ओके, दिस इज एरिया फुल डिप्लेटेड ऑफ क्रोमियम. क्रोमियम इसके अगेंस्ट अब प्रिकॉशंस जो लेनी है, लो कार्बन ग्रेड स्टेनलेस स्टील यूज कर लो. मेन वजह तो कार्बन बन रहा है ना, मेन वजह तो कार्बन बन रहा है ना. क्रोमियम कार्बन के साथ ही मिलके बना रहा है, तो आप लो कार्बन का ग्रेड यूज कर लो. तो कार्बन हो गई बहुत माइनर क्वांटिटी में तो कार्बाइड नहीं बनेंगे. ओके, या फिर क्रोमियम की जगह हम कोई और एलिमेंट यूज कर लेते हैं. क्रोमियम की जगह पे आप टाइटेनियम या नायोबियम को यूज कर लो. 321, 347, 348 के इसके स्टेबलाइज स्टेनलेस स्टील के ग्रेड हैं. सो प्रिकॉशन अगेंस्ट वेल्ड के वी हैव डिस्कस के पीडब्ल्यूएचटी में एक ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट एक आती है जिसको हम सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट कहते हैं. 1100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो और उसके बाद पंच करवा दो. बट अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज हाई अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. If you have any question related to the weldability of steels, you can ask me. Clear? So next we will discuss about weld repairs and residual stresses and distortion, right?